नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आज हमें आशीष बताएंगे बाजार का पूरा एक्शन और सेल के नतीजों का अनुमान, टीसीएस के नतीजे विस्तार से हम समझेंगे कुशल से, मानसी बताएंगी क्यों फोकस में रियल एस्टेट सेक्टर है और पूजा से हम जानेंगे कि एनबीएफसीज और एमएफआईज के कलेक्शन में कितनी रिकवरी आई है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार एक्शन देखने को मिला, शानदार तेजी रही। निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 10,800 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 400 अंकों से ज्यादा की तेजी रही और 36,700 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई और 22,900 के पार बंद होने में कामयाब रहा। एफएमसीजी को छोड़ के सभी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली और सबसे ज्यादा मेटल, बैंकिंग, फाइनेंशियल में बाइंग रही। और आपको दिखाते हैं कि आज के कारोबार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी और बिकवाली की है। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 213 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 803 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार की वीकली एक्सपायरी बहुत ही अच्छी रही, शानदार हुई। निफ्टी ने सेंचुरी लगा दी। अब सवाल है कि इस तेजी में कितना दम है, आज के कारोबार पर आपकी राय है क्या? लगातार तेजी का रुझान भारतीय बाजार में बरकरार है और एक इंटरेस्टिंग बात है कि तेजी के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे संकेतों की जरूरत विदेशी बाजारों से है नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए इतना ही काफी है कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत गिरे ना, उससे भी हमारा काम चल जाता है। कल अमेरिका में तेजी अच्छी हुई, 200 पॉइंट की, उम्मीद से ज्यादा। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नीचे थे और बाकी एशिया और यूरोप के बाजार में सुस्ती, लेकिन भारतीय बाजारों ने इन सारे संकेतों को नजरअंदाज करके सुबह से मन बना लिया कि हमें तेजी करनी, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन कल की एक करेक्शन के बाद फिर से मजबूती का रुझान, शुरुआत तेजी के साथ हुई, फिर एकदम सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा और सेकंड हाफ में फिर से पिकअप हुआ और दिन के हाइप के नजदीक जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो 10,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है निफ्टी में, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग है। अब तक की जो आप देखिए 23 मार्च को जो लोज बने थे उससे वापस हम जो रिकवर हुए हैं वो उसकी हाइएस्ट क्लोजिंग है, पॉइंट नंबर वन। बैंक निफ्टी पर भी आप देखिए 22,900 के आसपास की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बहुत बढ़िया कही जाएगी। एक्सपायरी के दिन फ्रेश खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग दोनों का सहारा भी मिला आपको और उस लिहाज से निफ्टी, बैंक निफ्टी में खरीदारी होती थी। लेकिन अच्छी बात यह भी रही कि सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ ही सेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो बैंक्स तो चली, बैंक्स के साथ आज एनबीएससी मसलन एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बढ़िया खरीदारी हो गई इनमें, ये बढ़िया चल रहे हैं। मेटल्स भागे हैं और इन्होंने लीड किया है। मेटल्स में ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती तो है ही और हमारे यहाँ भी ड्यूटीज में कुछ बदलाव होने की बातें चल रही है, इससे मेटल शेयरों में अच्छी चमक बन गई। तो ओवरऑल बाजार में बढ़िया खरीदारी का रुझान बना हुआ है। हाँ, थोड़ी सी बिकवाली आप लोकल फंड्स की तरफ से देख रहे हैं, एफआईएस की तरफ से देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पर, लेकिन फिलहाल मजबूती की ग्रिप है और उस ग्रिप की वजह से बाजार ऊपर के लेवल पर बिकवाली है तो भी उसे एब्जॉर्ब कर रहा है और गिर नहीं रहा है और गिरावट में खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो हल्के फुल्के करेक्शन तो रहेंगे लेकिन रुझान और ट्रेंड जो है वो तेजी की तरफ का है और वही आज भी एक्सपायरी के दिन बरकरार रहा और एक्सपायरी के दिन मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली है आज के सेशन में। तो अच्छी क्लोजिंग हुई, एक्सपायरी बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि आज की जो अच्छी क्लोजिंग हुई और मार्केट ने जो रफ्तार पकड़ी, इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, जहां पर अच्छी तेजी रही, जहां पर एक्शन रहा, ये डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष
चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष बताइए। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। हालांकि निफ्टी में अगर आप देखें तो आखिरी एक घंटे में जो तेजी है वो बढ़ती है नजर आई और 10,800 के पार निकला, और लगभग अगर आप देखें तो 6 मार्च के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली। एक्शन पैक दिन था। क्विकली वो स्टॉक्स देख लेते हैं वायदा बाजार के जहां पर आज के सत्र में तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। एस्कॉर्ट्स, यहां पर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट 26% बढ़ा, स्टॉक में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। ट्रैक्टर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक्शन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। गैस स्टॉक्स में कल हमने देखा था कि पिटाई होती हुई नजर आई थी, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई थी, डाउनग्रेड्स आए थे जिसके चलते बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन आज के सत्र में फ्रेश लॉन्ग क्रिएट होते हुए दिखे हैं। एमजीएल में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है 24% बढ़ते हुए नजर आया और एनआईटी टेक यहाँ पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट में 15% का इजाफा देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर आज के सत्र में शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई। टाटा केमिकल्स ओपन इंटरेस्ट 23% बढ़ा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दूसरी एनबीएफसी के विपरीत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया में तेज गिरावट रही और कमेंस यहाँ पर लगातार तेजी के बाद अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी जा रही है। 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, यानी फ्रेश मंदी के सौदे बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो मेटल स्टॉक्स लगातार एक्शन में देखने को मिल रहे हैं और जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हिंडाल्को स्टार परफॉर्मर रहा आज के सत्र का, टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता, सभी दिग्गज जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, सभी खरीदारी देखने को मिली। साउथ इंडियन बैंक नतीजों के बाद यहाँ पर तेजी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आज ब्रेकआउट होते हुए देखा। एक्सिस बैंक ने भी बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट किया और दिग्गज एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। एनबीएफसी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मिड कैप स्पेस से मैग्मा फिनकॉर्प यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस यहाँ पर, एमएनएम फाइनेंस और उज्जीवन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आज खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस सेक्टर की हम बात कर ही रहे थे, गेल ऑयल इंडिया, एमजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज सिर्फ एक एफएमसी क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ पर ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मेरिको, ज्योति लैब्स, कोलपाल और एचयूएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो निफ्टी का जो ट्रेंड है अब स्ट्रांग है और यहाँ पर जो है खरीदारी का रुझान ज्यादातर सेक्टर में देखने को मिला। ये आशीष ने डिटेल में बताया कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ हैं क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज बहुत ही अच्छी तेजी हमने मार्केट में देखी और बहुत ही अच्छी एक्सपायरी हुई, वीकली एक्सपायरी। कल का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है और कल के मार्केट को देखते हुए अगर कोई इंट्राडे का ट्रेड लेना चाहे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तो कहां पर लेना चाहिए? देखिए, अब कल के मार्केट पे एकदम से कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंसिडरिंग कि मैं यू नो फंडामेंटल्स पे जो काम करता हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूं कि यू नो मार्केट बहुत सारे नेगेटिविटी को इग्नोर तो कर ही रही है और यू नो जैसे मैं काफ़ी समय से आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताता आया हूँ कि 2020 को राइट ऑफ कर चुके हैं इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट या आप कोई भी बात कीजिए, और वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ से इन लेवल्स पे, इन भाव पे जो 2021 है वो कैसा, आपको उसका आंकलन कैसा करना है। तो इस हिसाब से जो बीटन डाउन सेक्टर रहे उनमें आपने देखा बहुत अच्छी मूवमेंट रही। फिनेंशियल्स हैं जो आप देख रहे हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी में एक बहुत बढ़िया मूव रहा। एक कांटे की टक्कर इस समय आई थिंक बेयर और बुल्स में दिखती है, हो रही है, और बुल्स एकदम हावी हैं इस समय। और जो शॉर्ट स्क्वीज होते हैं, जैसे बोलते हैं कि जो रुके हुए थे शॉर्ट्स, वो भी स्क्वीज हो चुके होंगे अब, और बचे कुछ अगर और ये 100 पॉइंट बढ़ गया तो वो भी निकल जाएंगे। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय मार्केट्स के जो वैल्यूएशन हैं वो थोड़े हायर साइड पे जा चुके हैं और आप एटलीस्ट कम क्वालिटी स्टॉक्स से तो अगर आपने पैसा बनाया, इतना बढ़िया मूव आया है, आप उसको जरूर बुक कीजिए। हाई क्वालिटी स्टॉक्स में तो हम वैसे ही मौके ढूंढ रहे हैं आने के लिए और आप बने रहिए, लेकिन लो क्वालिटी स्टॉक से निकलिए। और कल के हिसाब से अगर मुझे आपको एक स्टॉक देना हो तो मैं स्नोफी, क्योंकि क्वालिटी की बात करी तो स्नोफी आप बाय कीजिए। मैं शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वापस थोड़ा आने वाले दिनों में टुवर्ड्स यू नो टुवर्ड्स दीज स्टॉक्स लाइक एफएमसीजी और फार्मा मूवमेंट होगी, तो आप उसको आप ले सकते हैं। और यहाँ से इमीडिएटली आने वाले कुछ दिनों में शायद 200 से 300 रुपए तक के मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके,
और इसके अलावा अगर थोड़ा सा और मीडियम टर्म व्यू हो, पोजिशनल व्यू हो, वहां के लिए कोई ट्रेड आशीष जी? देखिए मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू में जैसे जो बीटन डाउन सेगमेंट्स हैं, वही फिनेंशियल्स की अगर बात करें तो वहां पे अगर जो अभी स्टॉक्स नहीं चले हैं, मैं आज वहीं पे ही ध्यान देने की कोशिश पूरी कर रहा था, अब जो चल पड़े हैं वहां तो अब कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे जो एक एनबीएफसी है, जो फिनेंशियल कंपनी, वो जेएम फिनेंशियल, इन लेवल्स पे जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और प्लस जैसे जैसे आगे इक्विटी मार्केट का रुझान ठीक होगा, जो इनका इनका कोर एरिया है वहां पर आपको, और अच्छी दिग्गज मैनेजमेंट है, तो वहां पर भी आप मीडियम टर्म में एक व्यू बना सकते हैं। अभी 80 रुपए का भाव है, डाउनसाइड बहुत कम है स्टॉक में, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। अभी निचले स्तरों से चलना शुरू हुआ है और अपसाइड में मीडियम टर्म में आप 100 से 125 तक के स्तर, एनीवेयर बिटवीन 100 to 125 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आज TCS ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, आंकड़े क्या कहते हैं, ये डिटेल समझाने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल बताइए कैसे नंबर रहे हैं TCS के? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए यहाँ पर नंबर्स तो हमें कमजोर दिख रहे हैं, पर आप कमेंट्री अगर देखेंगे तो वो काफी पॉजिटिव रही है। इनफैक्ट जो ओवरऑल अगर आप नंबर्स के साइड पर पहले आप नजर डालें तो वहां पर मुनाफा जो है वो 13% करीब गिरता हुआ नजर आया है और 7008 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। वही डॉलर आय में भी जो हमारा एस्टिमेशन था करीब 5.5% के फॉल का, उसके मुकाबले आपको 7% की गिरावट डॉलर आय में नजर आएगी। और साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है पिछले 3-4 क्वार्टर से जो 24 से 25% के ब्रैकेट में था वो अब 23.6% आता हुआ नजर आया है। पर ये तो हो गई नंबर्स की बात, अगर आप कमेंट्री पे फोकस करें तो वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट्स हमें आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट मैनेजमेंट अब ये मान रहा है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो लगभग खत्म होता हुआ दिख रहा है और साथ ही कंपनी की जो डील पाइपलाइन है वो मृत्युंजय मैं आपको बता दूं काफी स्ट्रांग होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर की एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो करीब $6.8 बिलियन की थी और इस तिमाही में कंपनी ने $6.9 बिलियन की डील विंस की है। और इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जितने भी मार्केट्स में ये ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर इनको मार्केट शेयर गेन्स होते हुए नजर आए हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है आगे की ट्रेजेक्टरी के लिए। और साथ ही ये देख रहे हैं कि जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने बोला था कि Q3 FY21 तक जो है नॉर्मलसी आ जाएगी, वो उसके मुकाबले अब विजिबिलिटी और ज्यादा बेहतर होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक फास्टर टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशंस है वो फैक्टर इन होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट BFSI वर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वही एक ऐसा सेगमेंट था जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आया, बाकी सारे वर्टिकल्स में आपको डीग्रोथ होता हुआ दिखा। और BFSI वर्टिकल जो इनका काफी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, काफी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रेवेन्यू आता है इनका उससे, वो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो है ये टर्न अराउंड होता हुआ दिखेगा और खासकर यूरोपियन मार्केट जो है वहां पर तेजी आगे बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये डिटेल में कुशल ने समझाया कि TCS के नतीजे कैसे रहे हैं। आशीष जी, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि नतीजे तो कमजोर रहे हैं, मुनाफा भी कम हुआ है, डॉलर आय में भी गिरावट आई है, तो आपका आउटलुक अब TCS के ऊपर है क्या? देखिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहे हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, और थोड़े से आई थिंक ऑन वीकर साइड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लाइंस, बट दैट वाज इन द प्राइस। जरूर ये सेक्टर ने थोड़ा पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज किया पिछले कुछ दिनों में, बट आई वुड से कि अब यहाँ अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है और यू नो, बट आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी बैक ऑन ट्रैक आनी शुरू होंगी ग्लोबली, तो ये आपको सेक्टर्स जो है अच्छा करता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब पूरा जो डिजिटाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, बट यू नो, और पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है मॉडल की, वो आपको होती हुई दिखेगी और जो निम्बल और फास्ट कंपनीज होंगी वो इसको ठीक से इवेलुएट कर पाएंगी। तो मेरा ज्यादा ध्यान मिड कैप IT स्टॉक्स पे है और लार्ज कैप्स पे नहीं है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। जून में NBFCs और MFIs यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के कलेक्शन में रिकवरी लौटती हुई दिखी है, क्या इसके पीछे वजह है, क्या डिटेल है? इसके साथ पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा बताइए।
जी, NBFCs और MFIs की कलेक्शन में इस बार सुधार देखने को मिला है और लॉकडाउन के स्तरों से जून के कलेक्शन में करीब 50 से 60% तक की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है और इसकी वजह काफ़ी सारे Q1 FY21 के लिए काफ़ी सारी कंपनियों ने NBFCs ने अपडेट भी दिया है कि उनके कलेक्शन में सुधार हुआ है। मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस का कहना है कि उनको करीब 400 करोड़ की रिकवरी हुई है जून में। बंधन बैंक का कहना है कि 3 जुलाई तक 70% का सुधार देखा गया है उनके कलेक्शन में। इसके अलावा इंडिया बुल हाउसिंग और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी सैटिन क्रेडिट केयर, यहाँ पर भी उनके कलेक्शन में करीब 7% का सुधार देखा गया है। एक वजह तो ये भी थी और ये भी हुआ है कि मॉरेटोरियम लोन बुक में जो इस तरह से गिरावट आई है करीब 25 से 30% की, उससे भी काफी ज्यादा फायदा मिला है जितनी की उम्मीद की जा रही थी कॉर्पोरेट से नौकरियां जाने की, ऐसा नहीं हुआ है। और शहरों के बजाय जो ग्रामीण इलाके हैं, नॉन मेट्रो सिटीज हैं, वहाँ पर जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि NBFCs MFI को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी दिखेगा जो जो आने वाली तिमाही है उसमें। ठीक है, और अब रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, कल सर हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बताइए कि ऑप्शन के जरिए कहां पर बेहतरीन ट्रेड बनेगा। नमस्ते मृत्युंजय, आपके आपको और आपके सभी दर्शकों को, उत्साही दर्शकों को इनफैक्ट। आज मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है एक्सिस बैंक। जुलाई महीने का 460 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जगत है 21.7 रुपए पे, इसका स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 17 रुपए और टारगेट 29 रुपए। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि अक्सर जिस दिन रिकमेंड करते हैं अगले दिन स्टॉक चलने चले, पर अगले 2-3 दिन तक, 2 या 3 दिन तक जरूर चल सकता, तो ये आप ध्यान रखें। और ये भी देखें कि ये वीकेंड है तो इसके अंदर ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो जल्दी जल्दी कम भी होता है, तो अगर आपका टारगेट आ जाता जल्दी तो प्रॉफिट बुक कर ले, इंतजार न करें। That's all from me, Mritunjay. Over to you. अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और साथ ही वीकली वायदा में नई सीरीज का भी आगाज होगा कल से, तो इस तेजी के बाद बाजार में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? कल बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार होने वाला है और दो लेवल पर आप नजर रखिए। 23,100 ये लेवल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर इसके पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करे तो किसी को पूछेगा मत, फ्रेश खरीदारी कीजिए। 400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में और बनेगी, उसके बाद 23,400-23,500 के लेवल की तरफ बैंक निफ्टी बहुत तेजी से बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूं कि 23,000 के ऊपर से ही बैंक निफ्टी टिकना शुरू हो जाए तो आपको खरीदारी का मूड बनाना है। अगर ऊपर निकले तो, नीचे आ गए तो आपको 22,500 से लेकर 22,650 ये 150 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में बैंक निफ्टी आए तो भी खरीद लेना है। तो ग्लोबल संकेत जो रहेंगे उसके दम पर कल हम शुरुआत करेंगे, राइट। अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे तो आपको ऊपर में ही खरीदना पड़ेगा, और समझो ग्लोबल मार्केट्स खराब हो गए, कमजोर हो गए और शुरुआत नीचे हुई तो आपको पता है एंट्री कहां करनी है, ठीक है ना। तो 22,700 के नीचे सोचना शुरू कर देना खरीदना है, इसका मतलब क्या, बायोडिप्स का मार्केट है ना। तो जैसे ही थोड़ी कमजोरी मिले, करेक्शन मिले, खरीदना है, पॉइंट नंबर वन। अब आइए निफ्टी, 10,800 के ऊपर बंद हुआ है, बढ़िया क्लोजिंग है, 10,725 परफेक्ट रेंज है, जहां पर मौका मिले तो खरीदना है, छोड़ना नहीं है। 10,675, 10,725 या 50 पॉइंट को नोट करके रख लीजिए, और अगर नहीं मिला तो और मजबूत हो गए तो फिर एक लेवल को ध्यान रखिए, 10,850, 10,875, ये हल्की सी रुकावट का लेवल है। ये पार कर लिया तो आप 10,950, 10,975 तक जाएंगे, यानी कि 100 पॉइंट की, 125 पॉइंट की जगह वहां से और बन जाएगी, फिर 11,000 के नजदीक पहुंचेंगे, वहां पर प्रॉफिट बुक करके एंजॉय कीजिए लाइफ, थोड़ा इंतजार कीजिए फिर से करेक्शन का। 11,000 के नजदीक 10,975, 11,000 जो भी मिले, नहीं तो फिर आप 10,850, 10,875 के लेवल पर नजर रखिए। ये आपके लिए निफ्टी का मामला हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत दिख रहा है,
बड़े मुंह देने के लिहाज से बैंक निफ्टी 23,000 के ऊपर बड़ा कमाल दिखा सकता है। हफ्ते का आखिरी दिन रहेगा लेकिन ऐसा बाजार में कहीं कोई डर है नहीं, और पिछले एक दो शुक्रवार आप देखिए कोई बाजार डर के तो बंद नहीं हो रहा नीचे, नहीं तो आमतौर पर यह रहता है कि सोमवार को कुछ खबरें ऐसी आ जाएगी वैसी आ जाएगी, दो दिन के रिस्क कौन रखे, तो लोग ट्रेडिंग पोजिशन कम करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे संकेत तो कोई है नहीं कि जिसमें बाजार कहीं रिवर्सल के संकेत दे रहा है, तो अपनी पोजिशन को खाली हेज कर लें। अगर आप तेजी करके जा रहे हैं मंदी करके जा रहे हैं तो आप ऑप्शन से हेज कर लें या ऑप्शन में ही ट्रेड कर लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज ऐसी कोई चिंता की खास बात है नहीं, बाजार का ट्रेंड मजबूत है, मोमेंटम स्ट्रांग है, ब्रॉडर मार्केट में रैली है, चौतरफा खरीदारी है, सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी दौड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ फंड्स खरीद रहे हैं, ट्रेडर्स भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता बाजार में। बुरी खबरों पर बाजारों का रिएक्शन नहीं है, अच्छी खबरों पर रिएक्शन ज़्यादा है। बाजार में से ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे मिल जाए तो बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, और अच्छे ना मिले सुस्ती के मिले तब भी चल जाते हैं, तो बहुत साफ ट्रेंड है बाय ऑन डिप्स। जब तक बाजार कुछ अहम लेवल को नहीं तोड़ते हैं तब तक यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। लेवल भी मैं आपको दे दूं, 22,200 के नीचे निफ्टी बंद होगा तो ही आप, माफ कीजिएगा, 22,200 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होगा तो ही आपको सावधानी का पहला संकेत मिलेगा, और 10,550 के नीचे निफ्टी बंद होगा तो ही सावधानी का पहला संकेत है। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको पूरी तरह से तेजी के एक्शन में रहना है, ये नोट करके रख लीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। अब आशीष जी, जो लोग लंबे समय के लिए मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, उनको ऐसे बाजार में कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जी विदिन जी, देखियो जैसे अब क्वालिटी महंगी है तो क्वालिटी और महंगी होगी, क्योंकि जब अनसर्टेन टाइम है तो वो स्टॉक्स ही चलेंगे जो एकदम से अब लेट्स से कि प्रूफ क्या बोलते हैं ना, वॉलेटिलिटी प्रूफ या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। एचयूएल मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता है, इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगता है। और जो रूरल, आप जो अभी आप देख रहे थे कि आंकड़े कि रूरल में ज़्यादा कलेक्शन ठीक है, ये सब ये बता रहा है कि जो रूरल का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, तो मुझे लगता है आप एचयूएल में मौका ढूंढिए आने वाले साल भर के लिए और उससे भी ज़्यादा, और यहाँ से कम 30% 25-30% ऑन हायर साइड रिटर्न आराम से मिल सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा हुआ और इकोनॉमी ने जल्दी रिकवरी दिखाई तो स्टॉक्स पॉजिटिवली सरप्राइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो एचयूएल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये लंबे समय के लिए आपका निवेश, लेकिन अब आपको बताते हैं कल के कारोबार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं राजेश पालविया जी, एक्सी सिक्योरिटीज के। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके हिसाब से कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड लेना फायदे का सौदा होगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, देखिए जिस नोट पे आज मार्केट बंद हुआ, जिस नोट पे आज जो वीकली एक्सपायरी हुई, उस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी, यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। तो कल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसमें 10,900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब आज 92 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। ये कॉल ऑप्शन बाय करें, इसमें 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और हमें लग रहा है कि ये मूव जो आज का तेजी देखने को मिली है वो कंटिन्यू रहेगी कल के सेशन में भी, और निफ्टी 10,900-10,920 की रेंज में मूव करेगी, तो इसमें टारगेट 130 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 10,900 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का बाय करना है 92 रुपीज में 130 के टारगेट के लिए। स्टॉक की बात करें, कल के सेशन में जो स्टॉक में परफॉर्मेंस बाइंग साइड में देखने को मिल सकता है, मेटल स्पेस से हमें टाटा स्टील काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओवरऑल मेटल स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो टाटा स्टील यहाँ से बाय करके चलना चाहिए 338 के स्टॉप लॉस से। टारगेट जो कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं वो 355 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, तो टाटा स्टील बाय करने की सलाह रहेगी स्टॉक में मेटल स्पेस। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, आशीष जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा, क्यों रहा, क्या एक्शन रहा, और कल का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।